अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने बेस्ट मोमेंट अच्छे से गुजारे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत यूनिक डिज़ाइंस लाई हूँ, लेटेस्ट काफ्तान डिज़ाइंस जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं और आप जो है अपनी कैरियर रूटीन में यूज़ कर सकते हो। ये डिज़ाइंस आला मुनफिद है, आप इनको पार्टी वेयर पहन सकते हो। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस है, कैरियर रूटीन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं या पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं, कहीं भी डिफरेंट जगह पर जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो शॉपिंग के लिए। और ये बहुत ही इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइंस है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही आला है। और कॉटन स्टफ या लॉन स्टफ के साथ आप इसे बना सकते हो, गर्मियों में पहनने के लिए बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन है ये। और जैसे कि आप देख सकते होंगे हर डिज़ाइन बहुत ही मुनफरिद है और इसमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर वर्क किया हुआ है डिफरेंट डिज़ाइन से, तो ये इंदा ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही सिंपल, यहाँ प्रिंटेड फॉर्म में ले सकते हो, प्रिंटेड भी आला लुक देता है, तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। सिंपल डिज़ाइन के में जो है आप ज्वेलरी वगैरह वेयर करके जो है इसे पहन सकते हो। फिर से ये एक लेटेस्ट डिज़ाइन है आपके लिए और ज़्यादातर जो है मेरे पास कलर कॉम्बिनेशन जो हैं वो सी ग्रीन्स और वाइट के हैं, जो ज़्यादा अच्छे लुक देता है समर में। समर में जैसे कि आप जानते हो कलर बहुत ही लाइट ज़्यादा सूट करते हैं, तो रेड में भी ये बहुत आला लुक दे रहा है। तो मेरे लिए जो कलेक्शन आई हूँ वो आपके लिए लाइट कलर्स की है, ताकि आप चूज़ कर सको कि आपको प्रिंटेड में किस तरह के डिज़ाइन बना सकते हो, या अगर आप सिंपल डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो तो वो कैसे डिज़ाइन होंगे। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हैं और ये लेटेस्ट डिज़ाइन है वाइट के ऊपर, जो है कॉलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। और ये लेटेस्ट डिज़ाइन है ग्रीन कलर में और इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियों में आपका काफ्तान जो है बहुत ही रिलैक्सेबल ड्रेस रहता है पहनने के लिए, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस और बना सकूँ। थैंक यू सो मच।